उकसाल पर मिलेगी। ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का एक देरीना ख्वाब था कि बच्चों के लिए कायदा लिखें। जिस जगह इस वक्त मुराकबा हाल कायम है, 25 साल पहले ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था और अब अल्लाह ताला ने मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की ये ख्वाहिश पूरी कर दी और आपने दो कायदे लिखे, एक उर्दू हरूफ तहजी और दूसरा इंग्लिश में दस्तयाब है। इसके अलावा लाहौर मुराकबा हाल के इंचार्ज मोहतरम मियां मुश्ताक अजीमी साहब ने मकतब अजीमिया लाहौर के ज़ेर एहतमाम हजरात के मसाइल बाजी सईदा की किताबों से मुराकबे की अकसाम 11,000 फ्रीक्वेंसी मोनिस खान की किताबों से इन तमाम मजामीन को किताबी सूरत देकर शाया की है, जो यकीनन हम सब के लिए खुशी की बात है। अब मैं मोहतरम जनाब कंवर तारिक साहब को, मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम राना साहब को और मोहतरम जनाब नूरुद्दीन जामी साहब को और इनके साथ साथ काबिल कदर प्यारे भाई जनाब वकार यूसुफ अजीमी साहब से इल्तिमास करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप तमाम दोस्तों की भरपूर तालियां इनकी नजर। इनके अलावा मैं कोटा से ताल्लुक रखने वाले दोस्त जनाब डॉक्टर तारिक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। उन्होंने भी इस साल अपनी तसनीफ और तहरीर खिदमत सर अंजाम दी है। मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक, मुझे बुजुर्गों ने मैंने बताया एक किताब छोटी सी हो वो आप प्राइम मिनिस्टर को सदर को पेश कर सकते हैं और उसके ऊपर लाजिम है कि वो कबूल करके आपका शुक्रिया अदा करें। वैसे ही है दूसरी फूल ऐसा तोहफा है कि इसकी तारीफ मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल है आप ज़्यादा समझते हैं। ये हमारे डॉक्टर तारिक साहब हैं ये डॉक्टर, लेकिन ये आप सब हजरात को ऐसी ज़िंदगी मुंतकिल करते हैं कि जिसके ऊपर दुनिया की अव्वलीन ख्वाहिश अव्वलीन ज़रूरत जो है इंसान की मजबूरी है और वो दांत है। डॉक्टर तारिक साहब दांतों के डॉक्टर हैं, माहिर हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि इतने दिनों से मेरा मुंह खाली है, इन्होंने कभी मेरे से तवज्जो नहीं की। माशाल्लाह इन्होंने फायदा ये मेरे साथ पूरा पूरा तआवुन किया है। इस कायदे के बारे में मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ कि जब सुजानी टाउन में मुराकबा हाल की ज़मीन ली गई और यहाँ उसका इफ्तिताह हुआ तो इस सरजमीन पर न सड़कें थीं, न बस थी, न रिक्शा था, न टैक्सी थी, और अगर कुछ था तो क्या था, सांप थे, अजदहे थे और बिच्छू थे, कंकड़ूरे थे, गोह थी, यानी हर वो जानवर था जो मोजी कहलाता है। और इंतहा यह है कि रात को जब हम सोते थे इन तीन दाम जमीन में सोते थे बिल्कुल ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस
اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقہ الموت پڑھ کر اس کو دے دے اس لیے کہ سانس دوڑنے میں دے دیتا ہے لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اپنے سانس بھائیوں کا کہ وہ بنا سے ہوں یا وہ سانس برادری سے ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا البتہ ایک دفعہ ہمارے استاد بھائی صاحب اللہ ان کی دعا کرے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے وہ ایک دم لال ہو گئے چہرہ ان کا اور آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو گئی تو میں دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ان کا اور ان کے ہاتھ میں وزنی پتھر کوئی ایسے خیر میں بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرح پڑھا میں نے کہا غفار ہے کیا ہوا بڑا یہ سانپ ہے سانپ 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 یہ بھائی کہاں ہے سانپ کرے کو بیٹھا تو وہاں ایک دل تھا زمین میں میں نے جو وہاں جا کے جاگا تو ایک سانپ بڑے آرام سے میں بے استراحت ہے اور دیکھ رہے تھے اور زبان باہر نکال رہے تھے میں نے کہا بھائی کہ میں نے ان کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں نے اس سے کہا اے بھائی صاحب اگر تم میری بات سمجھتے ہو تو سمجھ لو لیکن سنتے تو ضرور نا میری باتیں انسان سمجھے نہ سمجھے حیوانات بہت چیز ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہمارے جتنے یہ بھائی ہیں
ये भी जरूरत नहीं है, और ये कह के अपने हाथ से चाहिए। मैं चला आया उसमें, मुलाकात हर दिन चाली बारी नहीं थी, मैं आके बह गया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि देखो उसे उस सामने दोस्ती की लाज रखी है, ये दुश्मनी पर उतरा है, वो इंसानी तरफ नहीं है। जो जिस दोस्ती करेगा उसी ने रहना है। लेकिन जैसे हो रहा है मुल्क में, सारा दुनिया में हो रहा है, अभी क्या ये जो ऐसे मन बन रहे हैं, ये जहाज बन रहे हैं लड़ाई वाले, ये क्या अपनी नस्ल के साथ दुश्मनी नहीं है? नहीं, आप इसको क्या कहेंगे? दोस्ती है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, प्यार है। लेकिन मेरी जो लालिश है, बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बाकी जाहिर हूँ, मेरी जो दानिश है, मेरी दानिश में ये बात अभी तक नहीं आई। आपसे माशाल्लाह बड़े बड़े के लोग हैं, शायद आप मेरी रहनुमाई करें कि किसी शेर ने अपनी दरारी को तबाह बर्बाद करने के लिए असला याद नहीं किए। ये इंसान के बस है, ये इंसान को इंसान मारता है, इंसान को इंसान खाता है, इंसान को इंसान नुकसान हो जाता। बहरहाल मैं खामखा जज्बाती हो गया, तो मैंने उससे सोचा उसके बारे में, देखो रू गया नहीं गया। जनाब मैं वहां गया तो उस सांप का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, वो मुझे कभी मिला नहीं, वरना मैं इसका शुक्रिया भी अदा कर रहा कि वो फिर वहां नहीं था। पूछा एक बात है, देखिए दूसरे बात ये, वो हमारे साहब थे बड़े मोटे, बहुत तगड़े, वो बैठ गए जमीन में जिस तरह था, वो किसी एड्स के बिच्छू पे बैठ गया। वो बिठाए अभी गया, अब बिच्छू ने डर मार दिया, अब डर मार दिया सांप 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 सांप। वहां दौड़े भी गए तो सांप नहीं था, बिच्छू भाग रहा। तो मैंने कहा यार तुमने, और मार वो बेहतरीन नरम जगह कूड़े की हुई उसमें उसने डर मारा। तो मैंने कहा भाई क्यों मारा, इस जगह कैसे डर मारा? ये हाथ में मारता, टांगे मारता, इस मखसूस कैसे मारा? बजू मुंह के बदल नहीं जाए, मैं उसके ऊपर बैठ गया। तो साहब इस तरह ही है पूरा हाल। कभी कोई मजलिस आप करें फिर मैं आपको सारी गुजरात सुनाऊं, तो आप हंसेंगे भी और हो सकता है कि आप रोने भी। तो इन हालात में अल्लाह ताला ने यहाँ 22 साल हमारे गुजारे, उसमें हमारे दोस्तों के हम शुक्रगुजार हैं, भाइयों के उसके न्याज भाई भी हैं, सुना था उस जमाने में ये बड़े सर थे। तो इन्होंने मैंने और सबने ईटे बनाए लगाई ताकि ताकि बारिश तो हो यार, रात को गीदड़ आ जाए बिगड़े आ जाए। अब सवाल ये हुआ ईट आए कहाँ से? तो अब मैं अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला, तो मैं खबर ला रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पर जखीरा किया जाए वो खराब ना हो। तो मेरे जहन में बात आई, ऐसा जखीरा ईंट का हो सकता है। ईंट खरीदो, जहां से भी पैसा मिले ईंट खरीदो, ईंट खरीदो, ईंट खरीदो। वही ईंट की खरीदारी शुरू हुई, अल्लाह ताला की ऐसी वैसे हमारी मदद हुई कि हमने 1,00,000 ईंट जमा,
1 लाख ईंट का भाई क्या करे, उनका ढेर लग गया। अब उन्होंने कहा भाई इसकी चारदीवारी बनाओ। फिर ये सोचा कि अभी ना नक्शा पास हुआ ना कुछ हुआ, चारदीवारी कहाँ बने, क्या हो, बाद में तोड़ नहीं पड़े, अब क्या करें भाई। तो उसमें भी तय हुआ, दोस्त बैठे जा रहे, मजलिस से शुरा खाए हुई कि भाई क्या करें। तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया। मेरे जहन में ये कलाकार ने बात डाली कि ईंटों की दीवार बनाओ, उससे दो फायदे हो, एक तो हमारी चारदीवारी बन जाएगी और दूसरे ये है कि ईंटें महफूज रहेंगी। वो अगर ऐसा किया कि उसमें लोग जमा हो गए, उसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं, उसमें इस वक्त मुझे नजर नहीं आया भाई आ रहे हैं, भी बेचारे पूरी पूरी रात दीवार में रहते रहे। लेकिन मैं ये नहीं समझिएगा मैं ये बना वो गद्दी नशीन था, मैं भी इनके साथ ही बैठा था। लेकिन मेरी फिल्में अभी तक मौजूद हैं, कभी आप आए तो वो देखें। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर हजरत दीदार हशी हुआ और अभी तक फिल्में मौजूद है। तो फिर उसका भाई इतना था हुआ इतना करो में आए, टेंट वेंट लगाए, हवा यहाँ चली, देखें का इंतजाम हुआ, वो हवा चली, वो खाना तो क्या पकड़ा था टेंट को आ गए। महाराज में जिस तरह हुआ इसके पता नहीं यहाँ कोई और दवा है नहीं, अभी तो ये भाईजान ही मेरे हुआ है। वो कहते हैं घर का आदमी मोर मर नहीं होता, लेकिन समझता नहीं होता मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा क्या बोला। उसमें दोष में जज्बे में मेरे जो अल्फाज निकले जो मैं आप सब हजार के सामने यार संजीत जी के साथ ही मैं इस बात को नहीं मानता, मैं कहूँ कि मुझे बड़ा काबिल था, मैं तो काबिल हुई नहीं, मैं तो पढ़ा भी नहीं हुआ। तो मैंने ऐलान कर दिया कि ये होगा और मेरा मेरे हाथ खुलेंगे और सेंटर खुलेंगे और स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी और मैं कायदा लिखूँगा, मैं आठवीं क्लास तक किताब लिखूंगा बच्चों की और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा और वो मेरी किताबें आज मैं सोचता हूँ तो बड़ा हंसता हूँ। मैं किताबें लिखूंगा, वो यूनिवर्सिटी वाले उसको पढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटी मेरे पास यूनिवर्सिटी वाले आएंगे, किताब लिखो किताब लिखो किताब। वो अल्फाज कुछ ऐसे अल्फाज मैं समझता हूँ वो उर्दू कलंदर बाबा हो या रहमतुल्लाह के प्रश्न पूछते मैं बोलता वो हो गया सब अल्हम्दुलिल्लाह। आठवीं क्लास की किताबें भी हो गया, बच्चों की कहानियां लिखूंगा, वो भी मजबूत की पढ़ती है। एक आदमी कभी स्कूल में नहीं गया, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, वो यूनिवर्सिटी के ख्वाब देखे तो ठीक है, दीवाने वाली बात है। तो बहरहाल उसमें मेरी घर में एक कायदा लिखूंगा, एक कायदा लिखूंगा और वो कायदा मुनफरिद होगा आम कायदे से। मैंने कभी एक कायदा छपा तो भाईजान से कहा यार तुझे याद है मैंने ये ऐलान किया तो कहने आप मैं बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ, मेरा घर वाला पास तो बारह अब वो कह रहा लिख
लिखा गया लिखा गया खोया गया और अजब फायदा कई दफा खोया गया फिर लिखा गया फिर खोया फिर राम ने कहा यार मैंने कहा भाई ये सारा जो ना बैसाखियों का ये सही नहीं है अब खुद ही करो जो करना है करो बल्ला ने किया कायदा शुरू किया फिर उसकी चढ़ाई का मरहला दरपेश आया कुछ पता नहीं है आप लोग उसको ताली समझेंगे या पढ़ाई समझेंगे मेरा मिजाज भी कुछ मेरा ख्याल अलग सही है आप ऐसी है और आप ऐसी है और ऐसा है महाराज वो कि कायदा लिखा अब मरहला दरपेश हुआ तिलावत का डिजाइन का अब मेरी जो नजर पड़ी जब मेरा काम हो गया तो उससे तो डाकर अल्लाह ने खुश रखे तरफ के लिए इनके ऊपर नजर पड़ी तो मैंने इरेक्टेड नोट किया मेरे को डॉक्टर साहब आप हैं मुझे आपसे काम है ये आ गए यार मेरा ये ख्वाब है इसको हम 20 साल तो गुजर गए इतने कायदे खो चुके और हमने तो भाई सबने कोशिश कर ली तुम्हारी मदद की जरूरत है तो इन्होंने कहा जी मदद क्या करो तुम्हारी मदद की ज्यादा जरूरत है तुमको ये हो गया इससे आधार किसी भी ली वो मदद भी चाहिए वो तो अल्लाह ताला से मैंने दुआ की है कोई ऐसी चीज बने जो आम खैर स्टार्ट करो और हमारे बच्चे जो पढ़े हमारे जो बुजुर्ग उन्हें पढ़ाए उनकी तर्ज फिक्र में झोंक लगे ताकि वो झोंक से झिझोड़े वो उठे बेदार हो काले खरगोश बेदार हो जो नशा खाए हुए पड़े हैं मुसलमान को अफीम से उससे आजाद हो पर अल्लाह ने किया अब इसके लिए हुआ कि भाई दो कायदे एक कायदा उर्दू में होना चाहिए एक अंग्रेजी में अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों कायदे तैयार हो गए और मैं खुशी के लिए अपनी हो सकता है आप कह रहे हैं अब्बा को पता नहीं क्या होगा हर वक्त अपनी तैयार करते अल्लाह का शुक्र है एक कायदा बन गया अब मैं खुशी में आप अपनी खुशी में शरीक होने के लिए आप सब अदा के सामने और ये इसलिए मेरी ये अंदर से तरकीब जी हुई है अगर ये पैदा मेरे बच्चों ने मेरे बड़ों ने इसको अपना लिया और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया इंशाल्लाह आप सब हजरात की दुआओं से और तवज्जो से इंशाल्लाह बच्चों की तस्वीर फिक्र में तब्दीली आई एक मेरी और दरख्वास्त है आपसे मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी ख्वाहिशात बयान नहीं करता लेकिन एक ख्वाहिश कि चूंकि कायदा कर्ज फिक्र को तब्दील करने के लिए मेरी कोशिश है मेरी जद्दोजहद है मैं कहाँ तक काम है आपको मुझे पता इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें क्यों ये बात नहीं है ये मेरा नाम हो जाए तो मेरा तो नाम बनाने बहुत बड़ा गया मेरा नाम तो बनना शुरू नहीं करता आसमानों में निकल Yeah.
बनाली के रूड़े पूरे तो सच्चा मोदी बनाएंगे कृष्ण। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और ये दुआ है, इस्तग़फ़ार है कि अगर जज्बात में मुझसे कोई ऐसी बात निकल गई जो किब्र के ज़ुमरे में आती हो या बुराई के ज़ुमरे में आती हो, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मैं अपने गुनाहों की अपनी खताओं की इस्तग़फ़ार करता हूँ। मैंने ये बात ताली में नहीं की, इस बात ने मेरी मुझसे नहीं कर गई। अल्लाह ताला मुझे आप माफ़ करें और आप भी मेरे लिए दुआ करें। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश। अच्छा भाई ये तो अब हो गया। मेरा आजकल दिमाग खराब हो गया है। मैं मेरे मुशीर ने मुझसे बुलाया था, तुम बात बोलो भाई। वो मुझसे हो गया तो इसकी तामीर उस तरह नहीं हो सकी इस तरह मशीन चला। उन्होंने फरमाया खालस का सच्ची बात है, डर गया डर किया पढ़ा पढ़ रहा है फिर मेरे साथ को कभी इस तरह नहीं हुआ। क्या हो गया खैर मैं गया और जा गया जीवज एक आवाज तीन कम था एक आवाज से एक कम नहीं एक आवाज तीन का। तो भाई मेरे दोस्तों तुम मेरे बच्चे हो मेरे शागिर्द हो मेरे मोनिहाल हो मोनिहार बच्चे हो। मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ भाई या मैं जानता हूँ या मेरे मुर्शिद जानते हैं या मेरा अल्लाह जानता है। अपने जहन को बड़ा करो बाबा से आज हुजूर जी तो कायनाती सिस्टम है प्रोग्राम है आप ये फरमाते हैं कि यहाँ तो हर चीज का फाइल बना हुआ है। तुमने कहा कि ये चुनकियों के भी फाइल बने हुए और मैंने कहा ये वायरस बैक्टीरिया जो कुछ फाइल में होता है उसका मुजाहरा होता है, फाइल भी अगर नहीं हो तो मुजाहरा नहीं होगा।
मेरे काम की स्पीड एक घंटे में 1 करोड़ फाइल है। और मैंने कहा हुजूर फेंक देते हो वो तो ढेरों लग जाता है, उसको समेटता कौन है, फरिश्ते इसलिए है। इंसान के जालिम और जाहिल के पास है, इतना अड़ंगा ना मानता। हमने अपनी अमानत पेश की जमीन को, ठीक है, ठीक पढ़ाऊ भाई, इतना अड़ंगा ना मानता। हमने अपनी अमानत पेश की समावाद वल अर्द और जमीन को, वल दीवार और पहाड़ों को, नारद वल अमानत वाले समावाद वल अर्द वल दीवार। तो अबैना, उन्होंने अर्ज किया, बयान किया, अगर हमने ये आपकी अमानत को उठा लिया, मीना हम इसको उठा लिया, वही मीना वो अशफक ना मीना ना अगर हमारे समाज दीवार अब ही ना, उन्होंने बयान किया, गली साहब नहीं गलती हो तो बता ना अभी ना इंडिया हमीना। उन्होंने कहा अगर हमने समाज को उठा लिया वो अशफक ना, हम रेजा रेजा हो जाएंगे, जरात में तब्दील हो जाएंगे। किसने कहा? जमीन ने, जमीन है क्या? आसमानों ने, पहाड़ों ने, आप तो सब चीज के लिए बोला जाता है, पहाड़ों ने मखलूक आबाद नहीं है, कौन सी ऐसी जगह है जहां मखलूक आबाद?
इंसान नहीं समान टूटा। अब अल्लाह ताला फरमाते इन्नहू काना ज़लूमन जहूला, बेशक ज़ालिम होता है। अब मैं आप तमाम हज़रात से माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे काबिल ज़हीन पीएचडी सभी कुछ है यहाँ, एक सवाल मेरा है अगर आप उसका जवाब दें। इतनी बड़ी अमानत जिसकी जमीन मुकामिल नहीं हुई, आसमान मुकामिल नहीं हो सके, पहाड़ मुकामिल नहीं हो सके, इंसान ने उसको उठा लिया तो जरूरत जरूरत कहाँ है भाई? अमानत अल्लाह ताला की जब इंसान ने उठा ली तो वो जालिम लायक कैसे हुआ? तो जालिम और जहालत किस बुनियाद पर लगा रहा है? भाई एक आदमी तुम्हारे पास शहर है, जमीने हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, बागात हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, उसमें क्या है? वो जाहिर भी है और जाहिर भी है, क्या बात है? इन लोगों का नजर इसलिए है कि घर में आटे की बोरियां लगी हुई है, जहालत ही है कि घर में सब कुछ है, फरिश्ते मौजूद है, मलाइका है, इंसान के फरिश्ते तारे फरमान है, इंसान महकूम है, मजबूर है। जिस शख्स के पास, जिस कौम के पास, जिस यूनिट के पास पूरे पाकिस्तान का समाया मौजूद हो, पूरे पाकिस्तान मौजूद हो, हाकमियत मौजूद हो, उसे आप जालिम और जाहिल कह सकते हैं? क्यों भाई, क्यों था है? नहीं कह सकते ना? तो जब हमारे पास सारी कायनात की कुंजियां हैं, चाबियां हैं, खजाने हैं, फरिश्ते हमारे हुक्म मानने वाले हैं, हम कैसे जालिम बन जाएंगे? तो मैंने इस पर गौर किया, बहुत सोचा। एक आदमी उसके घर में गेहूं की बोरियां भरी हुई, चावल की बोरियां भरी हुई है, सब कुछ है, और वो भूखा रहता है तो वो अपने ऊपर क्या जुल्म नहीं कर रहा है? क्यों भाई? दूसरा आदमी उसको पता ही नहीं कि मैं क्यों को खा लूंगा तो मरूंगा नहीं, ये अपने ऊपर जुल्म नहीं है। अब पढ़े इन्ना अर्दल अमानत अल समाउ बिललाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम इन्ना अर्दल अमानत अल समावाति वल अर्ज वल जिबाल
तो सारे ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। समाज से मराज यही है ना, आसमान की मखलूक उदय जना दो लाख फरिश्ते आश कुर्सी है नहीं आराम ये सभी आ गए ना उसमें। अच्छा समावाद का मतलब भी हो, अर्श का क्या मतलब हुआ जी, जमीन का क्या मतलब हुआ, हवा पानी दरा अशजार पहाड़ मादनियात और जमीन के अंदर बेशुमार मखलूकात। अरे बता नहीं रही है, बताया जाता है कि 11,500 मखलूक नहीं, 11,500 नौहें तकरीबन जमीन पर बसती है। उन नौ का क्या ताल्लुक है, जमीन से ताल्लुक है। अब सुने इतनी लोगों ने इतने फरिश्तों ने और इतने सब ने अल्लाह ताला की मखलूक है, सुने आज भी इंतजारी का इशारा मारे जा तो इतनी बड़ी इमारत है क्या इंसान ने उठा लिया। अब इंसान ने उठा लिया उस समय मुमताज हो गया कि भाई एक आदमी स्कूल में दाखिल नहीं हुआ, एक आदमी PhD हो गया, तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो मुमताज होगा या PhD मुमताज होगा। तो जब आदमी ने उस मानत को उठा लिया तो कौन मुमताज हुआ जमीन में जो कुछ है मादनिया सोना चांदी
आम लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवाल की आप कशिश जाते हैं, उन सवाल का हल आप समझना चाहते हैं। तो मैंने ये सेशन ऐलान कराया था, आज के सेशन में तकलीर नहीं हो, तकलीरें तो आपने बहुत सुनी है, वही किसी के पास है कितनी तकलीरें की मैंने ऊपर पूरी कार्ड है। साढ़े 300 घंटे मुसलसल की तकलीरों की सीरीज वीडियो में लीजिए, 132 वीडियो फिल्म है, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की। आडियो कैसी फिल्म है? आडियो कैसे 215 आडियो। 1 घंटे का कोई 1 घंटे। अब मुझे ये पता है और अपने बाप से आप उसका मिलसा और क्या चाहते हैं? हर आदमी को शौक है मुतकीर तो मैं करूं, तेरी पुरानी तकलीरों का रिकॉर्ड का क्या होगा जब मेरे सामने नाकदरी हो रही है? मेरे बाप कौन पूछेगा? जाके गिनती लिखी हुई किताबें गिनती लिखी है, बाले 55 किताबें लिखी, 55 जिसको इंग्लिश में कहते हैं 55। इसलिए इधर अंग्रेजी में जोर पड़ता ही गया। अच्छा, दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला जानी साहब को दूसरे मेरे साथीदार को खुश रखे। अब उन्होंने ये कसर भी पूरी कर दी है, कल को कोई ये नहीं कहेगा यार हमारे जो बाप था ना आजमी साहब बात नहीं होता, बातें पूरी करता था, बस तखीर का धनी था और हम उनका क्या सुना, उनका क्या कहा, नशिस्तन गुफ्तन खासन। तो इन मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बच्चों ने मेरे ऊपर ये करम किया कि ये मुस्लिम में किताबें छा, वो भी आपकी लिए रिकॉर्ड को है। अब उससे आप कितनी तकरीर ले जाते हैं, तो इन सारी चीजों को सामने रखते मैं कामान साहब को बुलाया था, मैंने कहा यार तकरीरें बहुत हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, लोगों को तैदार का भी नहीं पता। अब ये भी तो करो यार, इनके जो दिमाग है क्या उन दिमागों में कोई तो बदल हुआ, कोई कुछ हुआ? यार मेरी जैसा दिमाग है इनका, अब इनसे सवाल की बातें करो, तकलीरों को रखो जहाँ ये 300 तकलीरें होंगी है, कितने 300 कैसी हैं वहाँ 300 एक हो जाएंगे, उसका क्या फर्क पड़ेगा? तुमने कहा था सवाल जवाब की मजलिस होगी, तो ये प्रोग्राम भी किया था मैंने भाई, ऐलान भी करा दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा शौक है या मेरा शौक है, दुनिया का मुझे शौक है, तुम्हारा शौक ये है कि सुनना है और भूलना है, सुनना है और भूलना है, सवाल जोर पड़ता दिमाग को हिलाना जुलाना पड़ता है, या क्या सवाल करें क्या सवाल करें। पर अब वो सवाल के लिए मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें बहुत सारे सवाल है, जो कोई साहब आगे पढ़े आपका
खुलते रहे उसमें से कुछ निकले निकला वो कहते मुखबिर को शौक ही होता है वो तस्वीर कर शायर को भी शौक होता है वो शेर सुना मुझे चमेली देता हूँ क्या मर्तबा एहसान और फना फिल्ला एक ही चीज है? अगर फर्क है तो क्या मर्तबा एहसान से फना फिल्ला हुआ जा सकता है? फना फिल्ला और मर्तबा एहसान एक कबीले के गुण है लेकिन ये अलग है। फना फिल्ला के बगैर मर्तबा एहसान के बगैर फना फिल्ला का जो मर्तबा है वो हासिल नहीं होगा। फना फिल्ला ये है कि आदमी दरोबस्त आप को अल्लाह के सपूर्द कर दे। वो खाना खाए तो उसके जहन में बात आएगी मुझे अल्लाह ने खाना खिलाया तो मैंने खाना खाया। अगर अल्लाह मुझे भूखा लगा तो मैं खाना नहीं खाता। अल्लाह अगर रोटी ना बना दे मैं रोटी ना खाता हूँ। यानी उसकी तस्वीर बनी और उस तस्वीर का इंतहा और तस्वीर की इब्तदा दोनों अल्लाह हो ये है फना फिल्ला। अब मर्तबा एहसान मर्तबा एहसान के बारे में सीधा सलाम और आप ने मर्तबा एहसान थे अभी मैंने देखे नहीं पढ़ते बहुत मेहनत से हिम्मत से मेरी रिपोर्ट है बहुत अच्छी है खुशहाल भी की है। मर्तबा एहसान के बारे में सीधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मकाम है कि बंदा जो कुछ करे वो ये समझे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। जो भी करे पानी पिए खाना खाए अच्छा नहीं है किसी बात लौट कर अगर बंदे के जहन में ये बात आ गई अब आप ये बात एक आदमी छोड़ नहीं करता वो कब करता है कब करता है उसको यकीन कर लेता है वो कोई देखे ना देखे उसको यकीन हो जाता है कि मुझे कोई नहीं देगा। और अगर उसको ये यकीन हो जाए मुझे कोई देख रहा है तो जब आदमी का जहन ये हो जाएगा तो हर वो काम करेगा जो जाके और एक एक जो भी वो काम करे वो ये देखे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ ये मैं काम कर रहा हूँ मैं अल्लाह को देख रहा हूँ कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये मतलब एहसान के दो स्टेज हैं जो हाजिर है देखो सर ऐसा बात है साजिद महमूद साहब ने कहा है अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए मखलूक को मोहब्बत के साथ तख्लीक किया और ज़मीन पर भेज दिया जहाँ मखलूक खुसूसन इंसान मुशक्कत में ज़िंदगी गुजार रहा है।
क्या अल्लाह ताला की पहचान जन्नत में मुमकिन नहीं थी? नुकसान का कोई उसको गुमान नहीं था, परेशानी उसके आस पास कहीं नहीं थी, खुशी खुश था तो क्यों खुश था? इसलिए कि वो अल्लाह का मेहमान था। अब अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो ये अल्लाह ताला कानून बना दिया और कह दिया बला तकरबा हाजी शजरता फतकून अमन अज़वाजी, इस तरफ कहीं नहीं आता। अगर तुमने हुक्म मंजूरी की तो तुम्हारा शुमार सारा होने हो और जालिम लोग जन्नत में रहेंगे। क्यों भाई? तो खुद ही उसने फैसला कर दिया, उन्हें खुद ही जुर्म किया। फिर ये बात नहीं, अल्लाह का कहते वो अब तुमने कानून तोड़ा है, हमने तुम्हें बता दिया, उसका इकरार भी किया अल्लाह नूह अलैहि सलाम ने, उसका इकरार किया। रब्बना ज़लमना अन्फुसना وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ। اے پروردگار عالم، اے رحیم و کریم اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلم نہ اپنے نفس پر ظلم کیا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا अगर आपने मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाई, मेरे गुनाहों को माफ नहीं किया, तशन पोशी इख्तियार नहीं की और मेरे ऊपर रहमत नहीं की, वल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिन अल-ख़ासिरीन, मैं तो सरासर घाटे और नुकसान में चला जाऊंगा। ठीक है, हम तो तोड़ दिया, अब जन्नत में जाने का वापसी का क्या तरीका हो? भाई एक आदमी है, वो अच्छा शेरी, उसने बगावत कर दी, अब उसकी माफी हो गई तो क्या कहा जाएगा? वो कहेगा अब मैं बस अब नहीं करूंगा जो होगी, अब नहीं करूंगा। ठीक है, अब तो बाहर है, अब जिस तरह वहां से नमी करने की शर्त थी, अब इसी तरह वापस जाने की शर्त है। वो क्या है? अब तुम साबित करो, अब तुम साबित करो गलती नहीं, नाफरमान नहीं करो। अल्लाह तुम्हें जन्नत से निकाल दिया, तुम जन्नत में जा सकते हो? तुमने गलती की और तुमने इकरार भी किया, इकरार कर लिया, जो भाई तुमने इकरार कर लिया, मैंने जुर्म किया, मैंने जुर्म किया। घुसना का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इतराब भी जुर्म किया कि मैंने अपने ऊपर जुर्म किया, अपने नफ्स पर जुर्म किया। और अगर आपने मेरी मफ़रत
गिरा देना तो नहीं जाएंगे, जन्नत की शरारत पूरी कर दी है। क्यों जी आप किसी को जेल में डाल दें, वो माफी मांग रहता है, सजा वो पूरी हो जाती है। अब वो अच्छा मौजूद शहरी बन के रहता है, उसे जेल में डालोगे क्यों? अपनी सजा भुगत ली और माफी मांग ली। और इंसान अपनी सजा को तस्लीम तो करे, आदमी तो अपनी सजा को तस्लीम ही नहीं कर रहा है। अरे लगा कहते झूठ ना बोल, अरे झूठ बोलने से लगा ही नहीं हुआ। अरे लगा कहते सूद ना लो, जो सूद लेते हैं जो सूद देते हैं वो मेरी साथ हालत जंग में है, मेरी तरफ तीर दिए जो मार रहे हैं। हम कह रहे हैं लहरिया लोग बूढ़े हो गए ना, मेरा सौ बार कह रहे हम तो सूद लेंगे। तो भाई अल्लाह ताला की माफ़ी कैसे मिलेगी? एक शहरी है, उसने बगावत की है, वो बगावत से बाज नहीं आता, जुबानी कहता है कि मैं बगावत नहीं करूँगा, क्या उसकी बगावत का केस ख़त्म हो जाएगा, उसकी सजा माफ हो जाएगी? ये कानून है भाई। तो जब कोई बंदा अल्लाह, अच्छा अब ये कि भाई अब पता नहीं क्या करें, किस तरह करें, कैसे अल्लाह को खुश करें, वो अल्लाह के साथ जमीन के हर हर चप्पे पर हमारे पैगंबर आए हैं, हम ये भेजे तुम्हें वो बताते हैं, उन्होंने बताया है कि ये रास्ता जाके पसंदीदा और ये रास्ता जाकर नापसंदीदा। अब अल्लाह का नापसंदीदा रास्ता तुम छोड़ो नहीं और आज ही वो तुम्हें ना ये करो, क्या मौजूद शहरी हो जाए, क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है आप काफी नहीं हो गया भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे सबको। अगली दफा मैं कोशिश करूँगा कि शायद ने सुनाया कि वो मेरा शेर नहीं सुन रहा, तो मुखरीर को भी शौक होता है कि मैं तकलीफ सुनने लगी थी, तो मैं उस शौक में लगी तकलीफ सुना रही थी, तो आपने सवाल अगली दफे इन शेर होगा हमें अच्छा किया। आप समझदार का बहुत शुक्रिया। और मेरे करने का और कुछ है बस इसलिए मेरे करने का कुछ है बस जरूर। अब मेरा ख्याल ये है कि भाईजान मैं अभी कुछ नहीं कहा आपसे, जैसे मुझे शौक है कि मैं कुछ तकलीफ करूँ, मियाँ साहब को भी बड़ा शौक है किताबें छापने का तकलीफ करने का, तो इनका थोड़ा सा शौक पूरा कर लें तो चलो मैं भी सुन लेता हूँ। देखो भाई मैं अपने बेटे की याद से जा रहा हूँ, आप सब हजरात का भाई तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास है कि आप इस सर्द मौसम में, ठंडे मौसम में दूर दराज सफ़र करके मुझे रेलों का जो हाल है उसके बारे में थोड़ा बहुत अहम है। आपने बड़ी तकलीफ और सौबत बर्दाश्त की, मैं आप के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस थोड़ी सी जो जहमत आपने उठाई है इसका अजर दे और कबूल फरमाए। फिर मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है, वो ये है कि मेरी ख्वाहिश है आप सब हज़रात कि कुरान का तर्जुमा ज़रूर याद करें जितना भी कर सके। मैं ये नहीं करता कि पूरा कुरान पढ़ लो, अगर अल्लाह तौफीक दे तो इससे अच्छी कोई बात है नहीं, कि मेरा अंदर से ये दिल चाहता है कि जो हमें 10-12 सूरतें याद हैं नमाज की, वो हमें तर्जुमा के साथ याद होनी चाहिए। इसलिए कि हम वो छोटी छोटी सूरतें जो हमें याद हैं वही नमाज में पढ़ते हैं, तो आम शिकायत है कि नमाज में दिल नहीं लगता, इधर उधर के ख्याल आते हैं, ख्याल भटकते हैं। सब सबका है वैसे, ऐसे कोई भी नहीं, मैं भी उसमें तो आपका भाई हूँ। तो अगर तर्जुमे पे गौर करेंगे तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपके ख्यालात भटकेंगे नहीं और अल्लाह की तरह वो ख्यालात रहेंगे। अब देखिए ना, आप वुज़ू भी करें ठंडे पानी से, सर्दी भी लगे, नमाज भी पढ़ें, अच्छी खासी उसमें मेहनत भी करें, सलाम भी फेरें, घर भी जाएं और नमाज में दिल ना लगे, तो ये मेरा अपना ख्याल है। अगर हम सोचें तो कोई क्यों मिलता साहब, नफे का सौदा है नुकसान का? अब देखिए, कुरान का याद करना मुश्किल है, तो आधे से ज़्यादा काम तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे इस्तेदा ने करा दिया, हमें सूरतें याद करा दी हैं, कलमे याद करा दिए हैं, नमाज याद करा दी है। अब चलो अपने हम अपने वालदैन का एहसान मानते हुए इतना तो करें कि जो कुछ हमारे वालदैन ने हमें याद करा दिया यार उसका तर्जुमा तो पढ़ लें। मेरी आप सब हज़ार से दरख्वास्त है, मेरी ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, सब मुसलमानों को कुरान फहमी की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब हज़ार जो बड़ी दूर से तशरीफ लाए, तकलीफें बर्दाश्त की, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इस तकलीफ़ का अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, वो लज़ीना जाहदु फीना लनादियतुम सुबुल, जो लोग अल्लाह के लिए जद्दोजहद और कोशिश करते हैं अल्लाह ताला ने लाजिम कर लिया, लनादियतुम सुबुल लाजिम कर दिया, एकदम तफ़सील करते हैं लनादियतुम सुबुल, कि हम ज़रूर उनके ऊपर अपने रास्ते खोल देंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे, आपके बच्चों की तालीमात पूरी हों, इज़्ज़त आबरू अल्लाह ताला आपको अता फरमाए, दीन दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और उन नेमतों का शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। भाई एक प्लेट इन्होंने बनाई है भाईजान ने, माशाल्लाह, इसमें सुई नहीं रही है, ये इसमें हुजूर कंदर बाबा की मजार शरीफ की अक्स है। ये वक़ार साहब ने नहायत अकीदत से, मोहब्बत से ये मुराक़बा हाल वालों के लिए
ये प्लेटें बनाई हैं, आप इसको कबूल फरमाएं। इसमें ये शेर भी जो रुबाई थी ना, और इसमें एक रुबाई भी लिखी हुई है, पढ़ना भाई, पढ़ लोगे, पढ़ लोगे। मुझ पर अजब एहसान किया साकी ने, दी मेरी बसारत को जिला साकी ने, दी मेरी बसारत को जिला साकी ने, जिस जुर्रे में ता अर्श नजर आता है, जुर्रा कहते हैं घूंट को, उस जुर्रा शराब का, वो जुर्रा शराब का जो हम घूंट लेते ना चुस्की, यूं एक घूंट को कहते हैं, उसको जुर्रा नहीं कहते, चुस्की जैसे गरम चाय चुस्की के साथ, उसको जुर्रा कहते हैं। क्या? जिस जुर्रा में ताअर्श नजर आता है। हाँ, यानी जो हमने शराब का जो एक घूंट लिया उसमें ताअर्श नजर आता है। क्या? वो जुर्रा शराब का दिया साकी ने, वो जो जुर्रा है वो असल में वो शराबन तहुरा है, जन्नत की शराब है जी। और बस अच्छा भाई, अस्सलामु अलैकुम। Thank you.